शहीद मेजर सुधीर वालिया की पुण्यतिथि पर बनूरी स्थित मेजर सुधीर वालिया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद मेजर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई गयी। बनूरी निवासी वीर योद्धा मेजर सुधीर वालिया ने 29 अगस्त 1999 को कुपाड़ा के जंगलों में आतंकवादियों से जूझते हुए शहादत पाई थी। मेजर सुधीर वालिया को उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। अशोक चक्र विजेता मेजर सुधीर वालिया के परिजनों ने शहीद बेटे की प्रतिमा स्थापित करने की मांग दोहराई है। शहीद मेजर के पिता रुलिया राम वालिया ने कहा कि उनके बेटे की याद में प्रतिमा लगाने का वादा किया था, लेकिन 19 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया है। न ही बेटे के नाम पर गांव का नामकरण किया गया है और न ही उनकी प्रतिमा बनाई गई है। रुलिया राम वालिया ने स्कूल में साइंस ब्लॉक के निर्माण की मांग भी की। मेजर सुधीर वालिया की बहन आशा देवी ने कहा कि उनकी माता भी अपने बेटे की प्रतिमा स्थापित किए जाने की राह ताक रही हैं। मैं सोचा कि इधर शांता जी ने बोला कि एक दफा आपसे भेज दिया अपने प्रवीण जी को कि पता करो कि उन्होंने वहाँ दिन मनाया कोई नहीं मनाया, तो हमने नहीं मनाया। 15 अगस्त था, 15 अगस्त के दिन उन्होंने बोला कि वो बोल रहे हैं बनाओ, तो मैंने बोला मैं स्टैचू के लिए बोला था, तो स्टैचू के लिए किसी ने आज तक सुनाई नहीं थी। मैं ही स्टैचू लगा, बाकी को स्टैचू लग गए तो उसका क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो एक लड़ाई नहीं थी, लेकिन लड़ाई के बाद एक अशोका चक्कर उसने प्राप्त किया, तो एक बहुत बहुत बड़ा इनाम दिया। हमें उससे गौरव है कि सुधीर कम नहीं था। सुधीर एक रैम्बो ऑफ द इंडियन आर्मी के नाम से पुकारा जाता था, अभी उसको रैम्बो ही पुकारते हैं। वो इतना मैं कह सकता हूँ कि सुधीर का नाम जो है, तो फिर मैंने ये सोचा कि उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका 29 अगस्त जो है, ये दोनों चीजें मनाएं। फिर मैं इनसे बातचीत की तो मशवरा किया, तो इन लोगों ने जो भी किया वो ठीक है किया है, और जो कुछ है वो क्या नाम सामने है। मैं यही चाहता हूँ कि स्कूल का नाम रहे, जिस स्कूल के मिट्टी में पड़ा और आज से स्कूल की हालत कितनी है, सब कुछ दिया हमें बटेर साहब ने, बड़ी मदद की, और ये कमरे उसने उन्होंने बना के दिए, और यहाँ के साइंस का सामान आ चुका है, लेकिन साइंस का ब्लॉक नहीं मिला है, तो साइंस ब्लॉक मिल जाता हमने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं मिला। मैं आशा देवी मेजर सुधीर वाली की सिस्टर। क्या आपकी मांग रखी है सरकार से? मेरी मम्मी की भी यही मांग रही थी और हमारी भी, हमारे भैया को भी स्टैचू लगना चाहिए, सबके लगे हुए हैं। और हमने कई बार, मेरी मम्मी ने सबसे जब वो उनसे डिमांड करी कि मेरे बेटे के लिए सबका स्टैचू लगा, उनका स्टैचू लगाया जाए, तो आज तक प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और मेरी मम्मी ने उनको एक गाँव के लिए बोला था कि मैं सुधीर नगर मेरे बेटे के नाम पर रखा जाए, लेकिन उसकी भी कोई सुनाई नहीं हुई आज तक। तो उस पर प्रशासन जरूर ध्यान दे और जरूर स्टैचू लगाए, तो मेरी मम्मी की जो मनोकामना पूरी हो जाए। और ये चाहते थे कि सर।